This is Wide Angle with Ashok Vyas. भारत गौरव सम्मान संस्कृति संस्था द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम हिल्टन होटल नेवर्क न्यू जर्सी में मुश्किलों पर छा गए हम खुद को आसानी हुई, काम को जब काम समझा काम आसान हो गया। गोविंद पारिक जी पधारे हैं जयपुर से और उन्होंने संचालन किया भारत गौरव सम्मान कार्यक्रम का। जब आप यहाँ एक सूत्र देखते हैं अलग अलग देशों से आए हुए भारतीयों का और इस प्रकार भारत से दूर अमेरिका में ये जो भारत गौरव सम्मान का आयोजन हुआ, किस तरह की भावना जागृत होती है इसमें सम्मिलित होकर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर प्रवासी भारतीयों के बीच में आकर के। और मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने दुनिया के अनेक राष्ट्रों के यहाँ पर भारतवासी एकत्रित हुए थे, भारतवासी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें उनका शरीर उन देशों में निवास करता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनकी आत्मा निश्चित रूप से भारत में निवास करती है और भारतीयता में निवास करती है। जब यहाँ भारतीय लोग भारतीय परिवेश में मिलते हैं तो निश्चित रूप से आत्मीय रूप से मुग्ध होना, प्रसन्न होना स्वाभाविक है। जब जब हम भारत कहते हैं तो मनोज कुमार जी की याद आती है और मनोज कुमार जी को भारत गौरव सम्मान से यहाँ संस्कृति संस्था द्वारा जब सम्मानित किया गया तो उनकी ओर से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए कुणाल जी पधारे हैं भारत से। आपको कैसा अनुभव होता है जब भारत गौरव का सम्मान आप स्वीकार करते हैं मनोज कुमार जी के स्थान पर? सर जी, ऐसा है कि जो फंक्शन रखा है यहाँ पे, इतनी बड़ी बात है कि भारत गौरव उन्होंने भारत के बाहर रखा हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है। अटूट विश्वास और प्रेम आपका विशिष्ट महानुभावों और हस्तियों से लगातार रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर केदार शर्मा जी, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं पर साथ में आपका ज्ञान वास्तु और ज्योतिष में इतना है कि उससे जन सेवा की सहायता आप करते रहे हैं। ये जो भारत गौरव सम्मान का आयोजन यहाँ हुआ, इसमें सम्मिलित होना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि भारत के लोगों को भारत की भूमि से विदेश की भूमि पर आकर सम्मानित किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए संस्कृति संस्था ने जो किया है ये अद्भुत कार्य किया है। इस तरह से जो भारत के जो लोग हैं, जिससे भारत का जो ज्ञान है, भारत की संस्कृति है, इसका उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस पर भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने आपको सम्मानित किया। श्री वृंदावन दास जी महाराज ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं स्वामी प्रभुपाद जी के लिए। पिताजी ने मुझे खास ये कहा था, यहाँ आके पूर्व पश्चिम की बात जरूर करो, ममता जी ऑलरेडी कर चुकी हैं। दो चीजें हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, अगर ये गणित अपने बच्चों को आप सिखा दोगे तो गणित अपने आप आ जाएगी, जीरो से ही गणित शुरू होती है। और दूसरा है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात में। श्री हरिदास कोटावाला जी, मात्र 20 वर्षों में अमेरिका में रहकर के उन्होंने अपनी ये विशिष्ट पहचान बनाई है। हम ये कंट्री में $7 लेके आए थे, किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे। आए, स्ट्रगल करे, काम करे, मेहनत करे और जो मेहनत किए उसका फल ऊपर वाला दिया। कई शिक्षण संस्थाओं को आपने आगे बढ़ाया, प्रेरित और प्रोत्साहित किया। जीव दया के लिए विशेष तौर पर आपने अनेक पुरस्कारों की स्थापना की और कई उल्लेखनीय कार्य किए। श्री मदन चावर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। आज भी सैकड़ों हिंदुस्तानी अमेरिका में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, उसके पीछे अपना आधार डॉक्टर गोयल को मानते हैं। एक सेतु के रूप में भारतीयों को अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जोड़े रखने के लिए अटूट प्रयास कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के रूप में आपने उल्लेखनीय सेवाएं दी। आप संस्कृति संस्था के साथ कब से जुड़ी हुई हैं और ये जो भारत गौरव सम्मान के आयोजन के पीछे क्या भाव है? मैं संस्कृति संस्था से जब से ये बनी है तभी से जुड़ी हुई हूँ, लगभग 95 से शुरू है ये संस्था, तभी से जुड़ी हुई हूँ। और इस संस्था का हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे भारत के लोग हैं और जिन्होंने जहाँ जगह जगह जाके जो अच्छे काम किए हैं
उनसे हमारे बच्चे भी प्रेरणा लें और हम लोगों को उनको उत्साहित उनको सम्मानित करके अपने आप को हमारी संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि हमारे हमने ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जाके बहुत अच्छा काम किया है। और ये बहुत अच्छा काम करने वाले एक डॉक्टर अनिल गोयल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, हाउ डू यू फील बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ भारत गौरव टुडे? वेल, इट्स अ गुड ऑनर, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग ऑनर, स्पेशली इट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ गुड कॉज, सो आई रियली अप्रिशिएट देम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन, एंड इट्स नाइस ऑफ एवरीथिंग एंड रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर देम, यू नो, अप्रिशिएट। थैंक यू। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हमारी इंडिया सरकार ने इंडिया की तरफ से ये पहली एक संस्था है जो राजस्थान से बाहर, मतलब कि इंडिया से बाहर जाके सम्मानित करती है लोगों को इस तरह से। सिर्फ एक हमारी संस्था है, ये संस्कृति संस्था, ये संस्कृति संस्था के लिए भी विशेष गौरव की बात, विशेष थैंक यू बहुत बहुत, क्योंकि हम आज भी इस संस्कृति संस्था के माध्यम से अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग द अदर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर साउथ इंडिया एंड वॉट एवर द अचीवमेंट भारत गौरव हैज बीन गिवन टू मी, I feel it is to my students, my teachers, my lecturers and my all well-wishers who has contributed to my organization. मानसिक रोगियों का उपचार करने के लिए विशेष सहयोग आप लगातार देते रहे हैं। वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या अपने पतियों से अलग रह रही हैं, उनको आपने कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। गुणवंत दवे जी पधारे हैं अहमदाबाद से और भारत गौरव सम्मान से आप यहाँ सम्मानित हुए, कैसा आपको लगा? कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन ऐसा आएगा कि सम्मान मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो उनके चयन करने का आधार रहा होगा, तो कौन सी आपकी बात ऐसी है आपके मन में जिससे कि आप भारत के गौरव को बढ़ाने वाले हैं? एक ही बात है, मैं नौ साल से एक ट्रस्ट चला रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में यूनिक है। जो लड़कियां पढ़ना चाहती है मगर पढ़ नहीं सकती है, या शादी करके वो अच्छी ब्रिलियंट लड़की है मगर शादी करने के बाद मुरझा गई है, ऐसी लड़कियों को ढूंढ के हम उसको कंप्यूटर सिखाते हैं, रोजगार देते हैं, कंप्यूटर देते हैं। ऐसे 15,000 लड़कियों को आज तक हमने किया। आज हमारे पास समस्या ये है, 15,000 लड़के बोले कि हमको कंप्यूटर आता है, मुझे काम दो। हम काम ढूंढने लेके दुनिया में निकला हूँ। तो जो सेवा का भाव है वो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि सेवा और त्याग भारत के आदर्श हैं, आप उन आदर्शों का पालन कर रहे हैं। धन्यवाद, जय भारत। एक मेरे स्लोगन लास्ट में बोल दूँ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आत्मनिर्भर करो, ये मेरा लाइफ का स्लोगन है। भारत गौरव सम्मान से सम्मानित जोधराज लड्डा और नवीन शाह, नवीन शाह जी के साथ में मैं हूँ। आई विल बिगिन बाय लड्डा जी, ये सम्मान प्राप्त करना कलकत्ता से आप आधारित, कैसा आपको लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि समाज सेवा का जो बीड़ा मैंने उठाया है, इस अवार्ड के माध्यम से मुझे और सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे ही नहीं, मेरे साथी कार्यकर्ताओं को भी, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये मेरे उन सभी साथी कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो सेवा में मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं। श्री कमलेश चंद्र मेहता, द साउथ एशियन टाइम्स जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में आपने साउथ एशियन टाइम्स की शुरुआत की। Is at 8.2% Asian American population in the state of New Jersey. Our representation, our access to government is lacking, way behind. Part of it is because we are not engaged in the process. The other part is that it is a very competitive process. You know, unlike India, where you have a quota system, we don't have a quota system. We have to really go out there and fight for that. And so we should get politically active, and we should. Ask for access and as well as representation that we need from our community. आपके उल्लेखनीय सेवाओं के लिए डॉक्टर अजय जैन को सम्मानित करते हुए मैं हर्ष है। उनका यह पुरस्कार ग्रहण कर रही है कुमारी प्रीति शर्मा, श्री एस अभय कुमार,
विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सदैव सक्रिय रहे हैं। न्यूयॉर्क में आने के बाद 1974 में आपने प्रॉम्प्ट जैम इंपोर्ट्स की शुरुआत की। पीसीएस और सेमी पीसीएस स्टोन्स का आपने कार्य शुरू किया। दिस इज वाइड एंगल विद अशोक व्यास। डॉक्टर रवि शर्मा का जन्म राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ। चांपावत जी का मंदिर, प्रख्यात राजगुरु कथाभक्त परिवार से आपका संबंध है। कई संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद से आप सक्रियता से जुड़े हैं। आई हैव रिसीव्ड दिस भारत गौरव अवार्ड टुडे। आई एम वेरी हैप्पी। आई केम हियर नियरली 50 ईयर्स अगो इन 1963। आई एम ए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, इमेज प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट एंड ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। आई हैव वर्कड एंड गॉट अवार्ड्स ऑन अपोलो फॉर पुटिंग मैन ऑन द मून। आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड अवार्ड्स ऑन पुटिंग आर्यभट्ट इंडियाज फर्स्ट सेटेलाइट साइट एंड SLV प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। आई हैव ट्रेंड इंडियन साइंटिस्ट इन स्पेस प्रोग्राम हु लेटर बिकेम chairman, directors and even president of India. So I am very happy that I was able to give something back to the place where I was born. लगभग 12 शिक्षण संस्थाएं और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये संस्था सक्रिय भूमिका निभा रही है। 1983 में पहली बार LED बोर्ड का डिस्प्ले आपने शुरू किया। आर्थिक मंदी के दौरान आपने उल्लेखनीय कार्य किया, बहुत सारे लोगों को विशेष सलाह प्रदान की। Naveen ji, you have of course your Navika organization helping people become more prosperous as well as helping economy of USA. Now becoming the awardee or recipient of Bharat Gaurav, what this means to you? This is truly a matter of pride for Indian American community. It is the way to recognize accomplished and successful and those individuals who has given a lot of contribution to the success of the entire Indian American community. So I feel pride in it. I take this as an accomplishment, and my wish is that there are many more who get honored by this organization to receive such an award and contribute to the society. तो चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया और खासतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से आहत परिवारों को आर्थिक सहायता देने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर रमेश शारदा के उल्लेखनीय कार्यों के लिए संस्कृति द्वारा आज उन्हें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर ओम शर्मा को आज इनकी उल्लेखनीय सामाजिक सेवाओं के लिए भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 5,000 भारतीयों को आपने सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया। भारत गुराड़िया जी को भारत गौरव सम्मान से यहाँ सम्मानित किया जा रहा था। यहाँ के अलावा आपने अपनी जन्मभूमि के लिए भी विभिन्न सामाजिक कार्यों में सदैव सक्रिय सहभागिता की है। टॉप पेडियाट्रिशियंस के रूप में आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है। श्री पुष्पेंद्र कुमार वास्तुविद है। Gali ji, such a pleasure to see you here being recognized with this award as Bharat Gaurav. And anybody and everybody knows how deeply you have always cherished the connection with Bharat and shared this love through Kali Bharat Yatra also. So you definitely deserve this Bharat Gaurav award. How do you feel today? Well, Ashok ji, it is said that when you recognize, recognition is like a looking glass in which a man look at himself and groom himself for task ahead. Definitely this organization that came from India, together with RANA, an organization here, they have done exceedingly well. And I want to thank all the awardees. Only last week I was giving awards. Last week, I was giving awards to an organization, people who of outstanding achievement. And today, I am a recipient. Wonderful, wonderful. So, yagya. Sir, thank you very much. Yes. Lots of good wishes to you. Anything else you want to say?
Yes, I always want to thank Ashok Vyas and ITV Vision of Asia to capture this special and precious moment when people have this such recognition from such a wonderful organization that feels those who deserve something are working in various fields. Thank you very much, Ashok Ji. Thank you, sir. सारे थिंकर्स ने कहा है कि जो नॉलेज भगवद गीता में है वो उन्होंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। एमर्सन जैसे ने भी कहा है, जो अमेरिकन टॉप प्रोलिफिक राइटर था और थिंकर था, उसने कहा जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो ऐसा लगा कि मुझे ज्ञान का साम्राज्य मुझसे बोल रहा है, परंतु आज हम इंडियंस होकर भी भगवद गीता के बारे में नहीं जानते। भारत ऊंचाइयों को छुएगा और समस्त प्राचीन गौरव जो अब तक रहे हैं उनसे भी कहीं आगे बढ़ेगा, और फिर एक बार जो हमारी आध्यात्मिक पहचान है, जो हमारी समृद्ध संस्कृति की अनूठी पहचान है, जो समृद्ध विरासत है, उसको संजोए रखकर, उसको अक्षुण्ण बनाए रखकर हम फिर तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये एक अल्प समय में आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। जैसा कि आदरणीय काली साहब ने कहा, अगला कार्यक्रम इससे 10 गुना बड़ा और इंग्लैंड की धरती पर होगा। ये मैं आज मेरे भाई सुरेश मिश्रा जी को आज से आश्वस्त करता हूँ, ये एक उसकी प्रथम शुरुआत है। I think this was a good idea who brought over here our Ashok ji, because we have never recognized our people, and this is the first time I am seeing it's not only from New York but it's from India and other countries also, and we are recognizing our own people, what they have done, what they have achieved. I think this is a very good idea. Mohammed Rafiq ji, you have come all the way from Saudi Arab? So, right now I have come from Oman and Saudi. We have business in Oman as well as in Saudi. We are doing marble and construction in Oman. We are doing mining and construction business, that's real estate. And right now we have been invited to have this Bharat Gaurav. We are obliged and we are so thankful to the people around here who have done a tremendous job to select the candidates on, we don't know what basis, but I am one of the lucky guy who has been given this award. I really thank the organizers and the people around here. Very cooperative and very nice people. And just to interrupt and request you to share with us, in Oman, how do you feel Indian culture stays with you and guides you? Oman, basically, I think it's a second home to the Indians, and they have done wonderful business there. There is a family, Khemji and Ramdas. They are about 140 years in Oman, and they are treated like one of the sheikhs in Oman. We Indians are very much comfortable in Oman. It's a wonderful country. Much respected to Indians. I mean, we are being looked after as if part of Oman, and we are really happy there. Business is very good, and people do have a wonderful time on there. Yes. Jyotish Acharya Pandit Purushottam Gaur ji padhare hain Jaipur se, Bharat Gaurav samman karyakram mein sammilit hokar, aapko yahan kaisa laga? देखिए, भारत के साथ में अमेरिका का शुरू से ही यहाँ प्रेम और स्नेह रहा है, क्योंकि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति से आज तक जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनकी अमेरिका के प्रति, भारत के प्रति एक सद्भावना, एक भाईचारा, अपनापन रहा। और आज जो यहाँ युवा संस्कृति के तरफ से जो भारत गौरव सम्मान समारोह रखा, इस गौरव सम्मान में यहाँ के NRI परिवार, जो भारत के लोग यहाँ रहते हैं, उनसे मिल करके उनकी उपलब्धियों को देख करके और उनकी प्रसन्नता को देख करके, उनकी समृद्धि को देख करके हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लगा। पंडित गौर जी जब संबोधित करते हैं तो मेरे राम के साथ उनकी बातचीत चलती है, तो मेरे राम आप ये बताएं कि अमेरिका आते आते जब भारत की आर्थिक स्थिति विपरीत है, ऐसा यहाँ पर खबरें आ रही, आपको कैसा लगता है भारत का भविष्य? देखिए, भारत का भविष्य, भारत ही एकमात्र विश्व में ऐसा देश रहा है जो सोने की चिड़िया के नाम से कहलाया जाता रहा है, और भारत का कभी भी स्थिति कमज़ोर नहीं हो सकता। ये एक अनावश्यक प्रचार है, बाकी भारत समृद्धिशाली हमेशा रहा है और रहेगा। और उसके अलावा सारे लोग जो साथ दे रहे हैं वो बड़ी बात है ना। बाकी जो डैडी ने मुझे बोला था, दो बातें बोले, जब जीरो दिया मैंने भारत ने, ये अगर आप अपने बच्चों को सिखा दो तो गणित अपने आप आ जाएगी, वो ही जरूरी है बस। और दूसरी बात आप क्या कह रहे थे? है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
क्या जय भारत कुणाल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुमार साहब, जो यहाँ पर भारत गौरव सम्मान का आयोजन हुआ उसमें आप सम्मिलित हुए, क्या अनुभूति आपको भारत से दूर आकर इस कार्यक्रम में हुई? इंडियन डायस्पोरा जहाँ पर भी गया है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, उन्होंने उस देश की संस्कृति में, उस देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया है। और ये देख करके कि इस देश की प्रगति के अंदर सहयोग कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। और ये न केवल भारत के गौरव हैं बल्कि अमेरिका के भी गौरव हैं, हम ये मान करके चलते हैं। और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है देश को भी, और जिस देश में जाते हैं उस देश को भी। एंड बेसिकली व्हाट टुडे वी गॉट, दैट्स एक्सेप्शनली, आई वाज नॉट दैट होपफुल अबाउट द थिंग, बट दैट इज टू गुड, दैट इज टू गुड। एंड नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू हैव द सेम प्रोग्राम इन यूके, इन लंदन। बेसिकली द थीम इज द कल्चर, what we are losing, that's in India also, and especially abroad. And we are just initiating the thing in such a manner that we must have that system, the Indian calendar, which starts in the month of March. Don't drink, matlab daru na piyo, doodh piyo, that's also a very good, very big thing. Like in for the famine relief, we used to ask for one mutti of anaj. It's almost 100 grams of anaj, but a million people, if they go for that, it's a big, big amount. Harish Bhatji, you are president of FIA. You have come from Chicago? I've come from Chicago. I'm also president of Pharmacy Association in Chicago. Tell me, how do you feel about this Bharat Gaurav Samman event which was held here? I think Sanskriti Foundation is doing a fantastic job. I'm especially impressed by their ek mutti anaj for every single person in Rajasthan, and I think they should improve this program and make sure that this program is started in every single city in India, because if this program is successful, nobody in India will go hungry. I think it's fantastic. Tvatastvayaiv nanu nirmita esha deha pranan balam cha labhate shrayate tvadiyam drishtvatu vapurmitam mritam shariram माता प्रदास्यति संततम आश्रयम। और जो इतने भारत गौरव से सम्मानित श्रृंखला व्यक्तियों की रही, उनमें कोई एक ऐसा जो आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो, आपको लगे कि इनकी बात, इनका जीवन औरों तक पहुंचे तो उनको भी कुछ दिशा मिले? निश्चित रूप से, हालांकि जितने भारत गौरव से सम्मानित हुए हैं सभी ऐसे महानुभाव रहे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं से उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, एक मैंने जब इसका संचालन कर रहा था तो संचालन करते समय एक का जीवन परिचय जब पढ़ा, वो कथा भट्ट परिवार में उत्पन्न हुए और नासा में वैज्ञानिक के तौर पर उनकी विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवाएँ रहीं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अंतरिक्ष के बारे में शिक्षा प्रदान की। अच्छा लगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो मंदिर में शुरुआत की उन्होंने छोटे से जीवन से, और वो व्यक्ति नासा का साइंटिस्ट रहा जिसने भारत के राष्ट्रपति को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी कराई, और आज भी वो युवा विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के बारे में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये आगे बढ़ने का क्रम जारी रहे, भारत का गौरव इसी तरह और ऊँचाइयाँ छूता रहे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Reporting on this special event related to recognizing the contributions and achievements of Indians abroad and everywhere, Bharat Gaurav Samman, organized by Sanskriti Organization. Reporting for ITV, this is Ashok Vyas. This is Wide Angle with Ashok Vyas.